नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स, ये सब स्वीकारा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में योगी सरकार का एक और बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत योगी सरकार प्रदेश के 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुल 58 सीट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को न सिर्फ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके, बल्कि इसके अनुरूप तैयार किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों को कुल 3,88,77,800 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से छात्रों और शिक्षकों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वहीं सीएम योगी के मार्गदर्शन में 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के ब्रज, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, लोकगीतों की होगी प्रस्तुति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ जहां उद्यमियों के सपनों को उड़ान मिलेगी, तो वहीं मेहमान यूपी की सांस्कृतिक धरोहरों से भी परिचित होंगे। योगी सरकार इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, कलाकारों को देश विदेश के आगंतुकों के समक्ष मंच देगी। तो वहीं रूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, ब्राजील, वेनेजुएला, इजिप्ट, बांग्लादेश के कलाकार भी अपनी संस्कृति की झलक से मेजबानों को परिचित कराएंगे। इधर शीघ्र रिलीज होगी आम की नई प्रजाति अवध समृद्धि। वहीं अवध मधुरिमा भी पाइपलाइन में। फलों के राजा आम का कुनबा और समृद्ध होगा। आम की एक नई प्रजाति अवध समृद्धि शीघ्र रिलीज होगी। एक अन्य प्रजाति अवध मधुरिमा भी रिलीज होने की पाइपलाइन में है। इन दोनों प्रजातियों का विकास केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ ने किया है। वहीं मायावती ने फिर एक और हमला किया है विपक्षी पार्टियों पर। बोली, दोगली है कांग्रेस और राहुल गांधी की आरक्षण पर नीति। रिजर्वेशन जातीय जनगणना को लेकर जारी है मायावती का लगातार हमला। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की एससी एसटी ओबीसी आरक्षण नीति अस्पष्ट, दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए आरक्षण का समर्थन करने के साथ इसको 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं और विदेश जाकर उनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस दौरे मापदंड से लोग सचेत रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।